हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अब निपटाया मैंने काम, हो गए हैं 11:30 होने वाली हैं और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। मैंने कहा थोड़ा बैठी हूँ यहाँ पे तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग शुरू कर रही 11:30 बजे से। और कल ना जो मैंने पोस्ट डाली थी और वो डाली थी कल परसों बनाई थी मैंने, वो वीडियो गाई थी ना, जो वो किसी ने छोड़ी थी वहाँ नीचे रास्ते पे, बीच सड़क पे, वो मारते मारते उसको पता नहीं कितना मारा उसने, कमर में मारा तो वो वहाँ से उठ नहीं पाई फिर। और 3 दिन वो वहीं सड़क पे रही, हमने वहीं पे उसको खाना पानी जो हो सकता था उसको वहीं पे दिया। और कल सुबह जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि यहाँ पे लोगों को बोल दें अगल बगल किसी को कि ये गाय यहाँ पे मर चुकी है, कहीं कुत्ते उत्ते ना खा जाएं, इसको बोल दो किसी को कि कहीं ले जाएं कि दफनाने के लिए। तो हमने वहाँ गौशाला नीचे अमित और मेरे जीत जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया वहाँ गौशाला में, तो वहाँ से आए फिर वो लोग लेके गए उसको। तो उसको तो मुक्ति मिल गई, वो बेचारी गोदाम को चले गए। बहुत दया आ रही थी उसको देख के। वहाँ पे सड़क पे ना पत्थर ही पत्थर थे, उन पत्थरों में वो ऐसे रगड़ रही थी, उठने की कोशिश कर रही थी ना तो उठ नहीं पाई। बड़ा दुख होता है ऐसे, ये लोग दूध जब तक दूध देते हैं तब तक रखते हैं, और जैसे ही उसने दूध देना बंद किया थोड़ा वो तकलीफ में आई होगी तो उसका इलाज नहीं करवा के और उसको छोड़ दिया, इसी किसी को दे दिया। कोई तो बोल रहा था, हमने उसको लाते हुए देखा भी है, लेकिन लोगों की हिम्मत ऐसी नहीं होती कि भाई तू कहाँ लेके जा रहा है इस गाय को, होता है ना। तो खैर मैंने तो नहीं देखा, मैं देखती तो मैं तो बोलती उसको कि कहाँ से लाया क्या लाया। जो उनके कानों पे नंबर रहता है ना वो भी उसका निकाल रखा था गाय के, कि जिससे पता ना चले ये गाय किसकी है और कहाँ से आई है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना, क्या बताएं, बता नहीं सकते। कि और कहते हैं कि गौ सेवा कर रहे हैं हम, गौ सेवा कर रहे हैं, ऐसी होती है गौ सेवा क्या कि जब तक दूध है उसके पास वो दे रही है तब तक लालच से उसको वो कर दिया, और जैसे वो बीमार हुई या दूध उसने कम कर दिया तो बंद ही कर दिया तो छोड़ दिया उसको, कि भूसा महंगा हो गया है कैसे पालें। मत दो उसको ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा दो, लेकिन अपने घर में तो रखो। भले ही उसको टाइम से पानी कम मिले, पानी और दाना पेट भर के पानी तो मिले उसको। और यहाँ सड़क पर इतनी धूप, कितनी तेज़ धूप है आजकल, और उतनी तेज़ धूप में वो वहाँ पर सड़क पर पड़ी हुई थी बेचारी लाचार। हम भी लाचार थे, मैं भी क्या कर सकती थी, ना तो वो उठ पा रही थी ना से वहाँ से हिल पा रही थी, वहीं पे ले जा रहे थे उसको पानी खाना जो भी था। लेकिन हमारे अगल बगल और लोगों ने भी ना किया, उसकी बहुत हेल्प की उसको, पानी खाना जिसके जिससे जितना हो सका सबने दिया। उधर उस तरफ से भी बच्चे भी लाते थे रोटी, अपनी मम्मी से बोलते थे बल्कि मम्मी रोटी बना देना, एक दो एक्स्ट्रा बना देना की, और जो भी घास जितना भी उनके बच्चे होते हैं ना जो भी मिलता है उनको गाय के ले लेके आते थे वहाँ पे। तो 3 दिन रही वो, जैसे भी रही वहाँ पे उसने खाया पिया, भले ही धूप हुई होगी उसको, बीच सड़क में थी, वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते थे कि अगर किनारे होती तो कुछ डंडे डुंडे रख के उसके लिए छाया कर देते, तो बीच सड़क में ऐसे भी नहीं कर सकते। गाड़ी बड़ी मुश्किल से आ रही थी, बड़ी गाड़ी तो ट्रक वगैरह तो वहीं से वापस जा रहे थे, लेकिन छोटी गाड़ी निकल रही थी। पहले दिन तो नहीं निकली, पहले दिन तो बाद दूसरे दिन तब थोड़ा उसको खिसकाया ऊपर की साइड तो तब जाके छोटी गाड़ी जाने लगी। पर 3 दिन रही वो यहाँ आई सड़क पे, उसको देख के इतनी दया आ रही थी ना। अगर वो चलने लायक होती, उठती, तो मैं उसे अपने घर पे ले आती। मैं भले ही अपने घर में बाहर में पोर्च में रखती लेकिन मैं ले आती उसको, लेकिन वो बेचारी चल नहीं पाई ना, उठी नहीं। मैंने कोशिश बहुत की उठाने की कि अगर उठ जाए तो मैं धीरे धीरे करके इसको घर पे लेके जाऊं, और कुछ नहीं तो उसको छाया मिलेगी। खा रही थी वैसे, वो घास भी खाया उसने, मैंने घास दिया उसको, केले वगैरह ऐसे फल फ्रूट दिए वो भी उसने खाए, घास भी खा रही थी, पानी पी रही थी। पर फिर उसको तकलीफ तो थी, पर
ठीक है वो चले गई, नहीं तो वहां सड़क में तो डर भी रहता है ना कि कहीं कोई कुत्ता जानवर कोई आके उसको ऐसे ना कर दे, कोई खान काट ना दे, होता है ना। भी सड़क में थी, पर जब धूप दिन में रहती थी, मैं अंदर रहती थी, मुझे उसकी याद आती थी, वो धूप में होगी वहां पे, क्या कर सकते थे यार। किनारे होती कहीं पे तो डन्नों से या कुछ करके भी उसके लिए छाया कर लेते, लेकिन वहां पे सड़क पे हम कुछ नहीं कर सकते थे उसके लिए। वो उठी नहीं, बिल्कुल नहीं, उठने की कोशिश तो कर रही थी वो, उसके पैर ना जब भी देखो तो कभी टेढ़े इधर को कभी उधर को, क्योंकि वो उठने की कोशिश करती होगी तो नहीं उठ पाई वो। आखिरकार कल, आज हाँ कल सुबह वो गोधाम को चली गई बेचारी। चलो उसको मुक्ति मिल गई, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। जब मैं शाम को प्रसंग कीर्तन से आ रही थी ना, तो वो मेरे को देख के मैंने उसको थोड़ा सहलाया वो किया, तो उसके आंखों में आंसू आ रहा था, उसको तकलीफ बहुत हो रही थी। वो ना जैसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं ना आदमियों के आंखों से नहीं होता, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा ये अब जाने वाली है, पर चले गई। अच्छा हुआ उसको मुक्ति मिल गई। तो हम चले घूमने के लिए, आज इस तरफ जा रहे हैं दूसरी साइड, क्योंकि उस तरफ ना बहुत तेज धूप लग रही थी, तो वहां को नहीं गई, तब हम इधर को आ गए। शाम के 5:30 होने वाली है शायद, लेकिन अभी तेज है धूप, तो चलते हैं थोड़ी दूर तक चलेंगे तो आते हुए ठंडा हो जाएगा मौसम। अगर देर ऐसे हो रहा, पहले तक धूप रह रही है, बाद में फिर सीधा देर हो जा रही है, ज़्यादा दूर नहीं जाया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा हाँ जल्दी निकल जाते हैं घर से, और तभी भी आ रहा है, जंगल के रास्ते ले जाऊंगी इसको, क्योंकि अगर रोड की रास्ते ले जाऊंगी वहाँ कुत्ते रहते हैं रोड पे, तो वो इसको काट देंगे, इसलिए मैं इसको नहीं ले जाऊंगी उधर। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर और इसी ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, अगर आते हुए टाइम लगा तो आपको आते हुए भी दिखाएंगे, नहीं तो जाते हुए यहीं पर, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर बेकार, कोई देखते नहीं है इसलिए।